सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सुषमा गुसाई और आप सबका स्वागत है मेरे देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के सुंदर से जुई गांव से। तो चलिए दोस्तों, अभी घर पे बहुत सारा काम है और सुबह से भी इसी तरह काम होता रहा और इस समय 4 बजे हैं और शाम को मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेहमान आ गए हैं घर पे और तैयारी हो रही है जागरण की। और सभी जेंट्स लोग तो वहाँ पे मंदिर में ये देखिए टेंट लगा रहे हैं। और दोस्तों, आज हमारे गांव में फिर से पूजा हो रही है तो आपको दिखाते हैं शाम को जागरण। ये देखिए, आज मेरे फूफा जी आए हैं और साथ में आए हैं चाचा जी और ये थैला तैयार कर रखा है आपके लिए। वो हम छोड़े कौन में, चलो आ जाओ लो। और ये चाचा जी बांध रहे हैं कलियो और फूफा जी की तैयारी हो गई। और ये लूठिया नाल जा रहा है, ये भारू। अब भारू किस चीज़ का है? सब्जी है, उसमें बाकी कुछ नहीं है। हमारे गांव में सब्जी होती है तो सब्जी का ही भाव जाएगा। ठीक चो, बाय। हाँ, आराम से जाए। हाँ तो दोस्तों, चलती हूँ घर पे और मैंने भी अभी खाना नहीं खाया और आज तो जागरण है तो बहुत सारा काम बाकी बचा हुआ अभी और बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। और अब यहाँ पे बन रहा है खाना सबके लिए, ये देखिए। तो दोस्तों, शाम हो गई है। और अभी भी दाल भात पक रहा है और लोग बोलते हैं, मुझे एक दोस्त है मेरी, वो बोल रही थी कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, दाल भात ही पकता है। मैंने कहा हमारे यहाँ सबसे बेस्ट है दाल भात। और मीट तो मैं खाती नहीं, और जब मीट बनता है तो मैं मीट भी बोलती भी नहीं, है ना, क्यों बोलना है जब खाती नहीं। जब भैरव पूजन के लिए जो वहाँ पर मंदिर के सामने हम सफाई कर रहे थे तो उस दिन रात को मैंने कहा जागरण है, लेकिन जागरण कैंसिल हो गया था उस समय, तो आज वो जागरण है और आज तो पक्का है क्योंकि दाल भात भी पक गया है। वो देखिए, सुनीता आलू लगाएगी अभी यहाँ पे, तो आलू लगाते हैं सुनीता के साथ में। और ये हो गई है तैयारी। और ये क्या है? ये इसमें सब्जी का मसाला बन रहा है। ये पेस्ट बन गया है और ये बन रहा है दाल। इसमें दाल सब आ रहा है। अच्छा, प्याज, ये अजीर पाव नहीं हो रहा वो तो लेड मुझे आ जाएगा। लेड मुझे आ जाएगा तो मुझे जरा ना जरा ये प्याज कर ले काट खाना काट दे ना तू ये बता दे कर दे या ये तो नींद है। और गोभी की सब्जी काट दी गई है तरफ से। और ये पानी किस लिए है? ये चावल के लिए। अच्छा, ये चावल के लिए, चावल के लिए, सब्जी के लिए, दाल के लिए। थैंक यू, थैंक यू जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इस तरह से यहाँ पे तैयारी हो गई है, ये देखिए। और अभी खाने वाले कम आए हैं, सिर्फ बनाने वाले आए हैं और ये सब गांव के ही हैं बनाने वाले, ये देखिए। और तो गांव में कोई हलवाई नहीं चलता इसी तरह से, और इनके हाथों में जो स्वाद है वो हलवाई कहाँ बना पाते हैं ऐसे। और बहुत अच्छा बनाएंगे, अभी मीठा भी बनेगा साथ में और रोटियाँ भी बनाएंगे, सब महिलाएँ मिल के बनाएंगे। तो चलो हम भी तैयारी करते हैं, अभी हमने रोटी बनानी है। और यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया, ये देखिए लहसुन बहुत अच्छा हो गया। अब ये मेरा खेत है, ये देखिए। और रोटियाँ बनाने वाले भी आने वाले हैं और हम सब लेडीज़ यहाँ पे रोटियाँ बनाएंगे अभी। तब तक मैं लगाती हूँ सुनीता के साथ आलू, ये देखिए सुनीता के डबल डबल काम हो रहे हैं। हाँ आओ फटाफट रखते हैं आलू। अब रोटी बनाने की तैयारी हो गई हमारी। ये किसने बनाई ये पोली? हाँ बोल, बोल चल सर। रोटी खाली हो रहा है, ये नज़र आई आ जाएगी। कौन बोल रहा है? कौन नहीं रोटी आएगी? तुम न्याय सब नहीं मांगा तेरे हाथ ना कर टीम रखे। हम सब सोच इधर से दिखा जरा फूल गया। खड़ा शुरू हो गया।
अन्नो मिल गया कुछ? खाली प्लेट है, खाली प्लेट है, अभी खाली प्लेट है, लंबी लाइन लगी हुई है तो इसलिए अभी नहीं मिलेगा। वहाँ से नंबर आ रहा है तो बहुत लोग हैं, तब तक तो वो खा भी देंगे जब तक हमारा नंबर आएगा। अरे आ जाओ भाई, खाना खाओ। और अभी यहाँ पे भोला स्थान पे आ गए हम, और यहाँ पे जो प्रधान होते हैं गांव के, तो प्रधानों के घर से नाली भर के ले आए हैं। देखिए सब के सब बैठ गए हैं।